आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज एट अ टेम्परेचर अबव 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शंस है हमारे पास इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो हम देखते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या चाहिए एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या टेम्परेचर चाहिए। सो गाइज, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ। सो दोनों अलग अलग फिनोमिनन्स हैं, आपको पता है प्लांट्स के अंदर रेट ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर पूरे टाइम होता है, बी इट डे बी इट नाइट, बट फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में होता है। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस हमें कितना चाहिए फॉर C3। सो मैं इसको लिख रही हूँ ऑप्टिमम टेम्परेचर हमें चाहिए 10-25 डिग्री सेंटीग्रेड। किसके लिए? फॉर C3 प्लांट्स। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट C4 प्लांट्स, तो C4 प्लांट्स के अंदर हमें टेम्परेचर चाहिए होता है 30-45 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस की। अब रेस्पिरेशन के लिए अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर देखें तो उसके अंडर हमारा 20-30 डिग्री इज नॉर्मल। सो रेस्पिरेशन का यहाँ पर हायर टेम्परेचर है अगर हम कंपेयर करें फोटोसिंथेसिस से, 10-25 से अगर हम कंपेयर करें तो 20-30 डिग्री हमारे पास ज़्यादा है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर चला गया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्लाइन अर्लियर देन दैट ऑफ रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन का मतलब है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन कर जाएगा, कम हो जाएगा, एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन अपना उसी अगर हम कंपेयर करें तो वो कम रहेगा एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन एज कम्पेयर टू फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। सो गाइज, टेम्परेचर इज 35 डिग्री एंड यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए? 20-30 डिग्री। सो इट इज़ क्लोजर टू 35 डिग्री एंड इसके अंदर हमें चाहिए 10-25 डिग्री। सो 35 डिग्रीज पे काम नहीं होगा जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। एंड आंसर हमारा होगा इसके अंदर ऑप्शन 1, दैट इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्लाइन अर्लियर देन दैट ऑफ रेस्पिरेशन। अब ऑप्शन 2 और 3 भी देख लेते हैं। 3 में लिखा हुआ है सीधा कि बोथ डिक्लाइन कर जाएंगे, दोनों डिक्लाइन कर जाएंगे। सो ऐसा नहीं होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस का टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कम है एज कम्पेयर टू रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस पहले डिक्लाइन करेगा, उसके बाद रेस्पिरेशन डिक्लाइन करेगा। ऑप्शन 2 है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन पहले डिक्लाइन करेगा फोटोसिंथेसिस से, तो ये भी गलत है। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1, दैट इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्लाइन अर्लियर देन दैट ऑफ रेस्पिरेशन। थैंक यू। क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।